घर में कितने लोग रहते हैं? पांच गो बच्चे, हम से लेकर के चौगो। और घर में कमाने वाला नहीं है? अकेले अकेले कमाते हैं, अकेले का खिलाते हैं, कोई भी नहीं है, मदद करने वाला कोई भी नहीं है। थाना प्रभारी क्या बोला, जो बड़ा बाबू कुछ बोला कि कौन बोला, मारा कैसे कुछ पता चला? नहीं पता नहीं चला। इसके बाद ये गंगा जी पर तो ये देखा, कोड़ के देखा तो ये वही होगा, मेरा पति होगा। तब आगे के कोड़ के देखे थे, देखे तो देखे कोड़ के देखे। आपके हाथ में चेक दिया गया था? नहीं, अपना हाथ में चेक नहीं दिया, उसी के पास चेक दिया। कौन है वो आदमी, आप पहचानते हैं? हाँ पहचानते। नाम क्या है उसका? उसके नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन आदमी को पहचानते हैं। तो उसके बाद पैसा आपको मिल गया? नहीं मिला, पैसा निकाल के दुआरी पर ले, दुआरी पे सारा पैसा ले लिया। हाँ सारा पैसा ले लिया, बैंक का दुआरी पे। हाँ विधवा पेंशन कब बना? एक साल का बाद। कौन बनवाया था? डीसी सर। उसके बाद कौन बनवाया? इसके बाद तिलक जी दिया, 6,700 रुपया निकला। कब निकला था पैसा? बृहस्पत को। उसके बाद? इसके बाद आपने रख दिया 3,300 रुपया, आपने रख दिया 3,300 रुपया, मेरे दे दिया। ये बैंक के अंदर हुआ था या बैंक के बाहर? बैंक के बाहर में। मैं भी इसी समुदाय से हूँ, इसलिए मैं और मेरे समुदाय के लोग यह चाहते हैं कि मड़गी पहाड़न को उसका पूरा 31,500 रुपये वापस मिले। इसलिए आप सभी वीडियो देखने वालों से मैं विनती करती हूँ कि बोरियो थाना प्रभारी लाल बिहारी प्रसाद को मोबाइल नंबर 9939408302 पर कॉल करके इस समस्या से अवगत कराएँ, ताकि मड़गी पहाड़न को उसका पूरा पैसा मिल सके। मैं शिखा कुमारी पहाड़न, जिला साहेबगंज, झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।